आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैंने आपसे कहा था कि वापस आके बताऊंगा कि सुनील दत्त डायरेक्टर कैसे बने। दत्त साहब एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, रेशमा और शेरा। इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान के रेगिस्तान में हो रही थी। जैसलमेर जैसे मरुस्थलों में इतनी गर्मी थी कि क्या कहना। हुआ ये कि फिल्म की जब काफी शूटिंग हो गई और फिल्म की फुटेज को देखा गया तो बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से नेगेटिव जल गए थे और जो शूटिंग की गई थी वो सब बर्बाद हो गई थी। इसके बावजूद हीरो सुनील दत्त ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने फिल्म को दोबारा शूट करने का फैसला कर डाला, पर फिल्म के डायरेक्टर ने दोबारा शूट करने से इनकार कर दिया। ऐसे में ताव में आ गए दत्त साहब और उन्होंने खुद डायरेक्शन करने का फैसला किया और रेशमा और शेरा को कंप्लीट किया। रेशमा और शेरा को क्रिटिक्स ने और कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अप्रिशिएट तो किया गया, पर बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म डिजास्टर रही। बावजूद इसके फिल्म के लिए वहीदा रहमान को रेशमा के रोल के लिए उस साल के बेस्ट एक्ट्रेस के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस फिल्म का संगीत दिया था जयदेव जी ने। लता जी के गाए गीतों का आज भी कोई मुकाबला नहीं है, जयदेव के संगीत का कोई मुकाबला नहीं है। तू चंदा में चांदनी, मीठी मीठी सी अगन, जालिम मेरी शराब में ये क्या मिला दिया, क्या क्या गीत हैं। इस फिल्म के लिए जयदेव जी को भी उनका बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पहला नेशनल अवार्ड हासिल हुआ। इसके बाद सुनील दत्त ने एक बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंटल फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था यादें। इस फिल्म में उन्होंने अकेले एक्ट किया था। इस फिल्म को भी राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया। अपने बेटे संजय को लॉन्च करने के लिए उन्होंने रॉकी का डायरेक्शन किया और अपनी धर्मपत्नी नरगिस दत्त की मौत के बाद कैंसर के सब्जेक्ट पर दर्द का रिश्ता बनाई, जिसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कैंसर पेशेंट्स के इलाज में लगाया गया। तो ये है कहानी सुनील दत्त के एक्टर से डायरेक्टर बनने की। किशोर कुमार पर क्यों जड़ दिया गया केस और क्यों लगा दी गई पाबंदी उनके एक्टिंग करने पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।